फ्रस्ट्रेट बिल्कुल इंटरेस्टेड क्यों बोला फिर मैंने बोला इंटरेस्टेड कहती है यस ये देखे ना सॉक्स के बारे में प्यारी प्यारी लोग बच्चियों को कहते हैं प्यारी प्यारी और वहाँ आज ये बोला है सॉक्स प्यारी प्यारी और इन साहब से बात करने की कोशिश करते हैं यार मुझे इतना सॉरी क्यों मिल रहा है क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ आते जाते कोई ना कोई तो पसंद आती होगी हाँ जाहिर वो तो गर्लफ्रेंड है आपकी नो 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 बॉयफ्रेंड आपने पूछा यानी कि आपका है पहली बात में यहाँ मुझ पर लाइन मार रहे हैं नहीं लाइन नहीं मार रहा मैं मिसेस देख लेंगे क्या बनेगा नहीं 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 कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो ठीक है जी ओके हो गया आपको मेरी बातों पे पसीना क्यों आ रहा है नहीं वो वैसे ही होगा वैसे मिसेस के साथ शॉपिंग पे आए आप यहाँ पे हाँ जी बट हाँ जी पक्की बात है मिसेस ही है ना गर्लफ्रेंड तो नहीं है नहीं 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 मुझे बता दे मैं सबको कैमरे के थ्रू बता दूंगी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या करते हैं आप मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं मैरिड हैं कि अनमैरिड अनमैरिड हैं तो यहाँ पे फिर अब क्या कर रहे हैं बस ऐसे ही शॉपिंग के घर से आए हुए हैं किसके लिए शॉपिंग करने आए गर्लफ्रेंड के लिए नहीं नहीं वैसे अपनी अपने लिए शॉपिंग करने आए हैं और इसके अलावा बस इसके अलावा आउटिंग इसके अलावा आउटिंग थोड़ा बहुत लाहौर की चलें सैर हो जाएगी लाहौर की सैर हो जाएगी कि लाहौर के परियों की सैर हो जाएगी जैसे समझ लें आप मुनासिब जैसे समझ लें आप मुनासिब अच्छा मुझे कुछ ये बताएं लिबर्टी में आपने क्या चीज़ ज़्यादा फील की यहाँ बच्चियाँ ज़्यादा हैं नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है वैसे बस ये एक अच्छी प्लेस है मतलब कि पब्लिक के लिए और शॉपिंग के हवाले से मशहूर है तो इसका मतलब है गर्लफ्रेंड हो गया नहीं नहीं मेरी कोई नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोई ना कोई देख रहा होगा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं नहीं कोई नहीं लिबर्टी में तो ज्यादातर फैमिली की शॉपिंग होती है लेडीज की शॉपिंग है तो फिर दाल में कुछ काला तो लग रहा है तो हम फैमिली के साथ ही आए हैं ना फैमिली के साथ आए जी ठीक है सर मुझे आगे से होके मिल पड़े हैं और आपको मेरी बातों पर पसीना क्यों आ रहा है नहीं वो वैसे ही होगा वैसे अभी चाय पिया मैंने चाय पिया थोड़ी देर पहले चाय पी है तो पसीना आ रहा है बाकी बात है मेरी सवाल से तो नहीं आ रहा मेरे क्वेश्चन से तो नो नो एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली नॉट भाई थोड़ा थोड़ा पसीना आ ही गया है कुछ ना कुछ बातों पे गर्लफ्रेंड का पूछा नहीं और आया भी शॉपिंग लिबर्टी में फैमिली के साथ और अकेले खड़े हैं मैं जनाब आए आगे हम चलते हैं यहाँ हम इनसे बात करते हैं भाई चलाएं जी लड़कों का चार पांच लड़कों का एक हमें ग्रुप मिला है अब हम इनसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं सबको पता चल गया कि मैं इनकी तरफ आ रही थी और ये मुंह मोड़ के चल दिए इसका मतलब है ये अपनी फैमिली से चोरी आज लिबर्टी मार्केट में आए हुए हैं क्योंकि आज वीकेंड है और आगे आप खुद समझदार हैं हम लाहौर में है नहीं है हम दरअसल आए हैं सिंध से रेमिया खान से नहीं आप मतलब यानी अपनी फैमिली को ये कह के आए कि आप लाहौर में है ही नहीं 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 फैमिली को तो पता है हम लाहौर में पर ये तो नहीं पता कि हम कहाँ पार्टी में वीकेंड अपना यानी सस्पेंड वो देखने आए तो खूबसूरत एंजॉय करने आए देखने आए मार्केट्स देखने आए विजिट करने आए डिफरेंट मार्केट्स फैमिली वाली मार्केट है लेडीज का ज्यादा यहाँ पे काम है कि लाजमी लेडीज है यहाँ पे शूज मॉल है जो भी है तो उसमें जेंट्स भी हैं काफी वैरायटी जींस पैंट पीछे देखी जाती है सॉरी बॉयफ्रेंड मैं पूछी गर्लफ्रेंड है आपकी नो 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 बॉयफ्रेंड आपने पूछा यानी कि आपका है मुझे मेरी मेरी बात छोड़ो ना मुझे अपना बताओ रिलेशनशिप में हो के ढूंढ रहे हो कि फेसबुक पे कोई ढूंढ रहे हो मैं रिक्वेस्ट भेजते हो नहीं किसी को कोई सोशल मीडिया कोई स्नैपचैट कोई गूगल कुछ नहीं मैं ऑलरेडी 26 एज का हूं ठीक है अपनी एज ही बता दी जॉब कर रहा हूं आईजी ऑफिस में ठीक है डाटा ऑपरेटर हूं ठीक है और इसके अलावा मुझे कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है ये क्या पकड़ा हुआ इतना लंबा था ये कॉटन कैंडी है क्या ये कॉटन कैंडी मैरिड हो नहीं हो क्या शादीशुदा हो नहीं शादीशुदा नहीं हो तो कोई लड़की फंसाई हुई है नहीं नहीं अभी किधर सही से बताना सही बात है पक्की बात है पक्की बात आते जाते कोई ना कोई तो पसंद आती होगी हाँ जाहिर है वो तो अच्छा नहीं कह रहा हाँ जाहिर है पसंद आती है इसका मतलब है तुम्हें एक अंकल से खड़े हैं अपनी कहा कहा जाए हाथों पे कहाँ पे ऐसे हाथ रख के और पेट उनका बाहर है पता नहीं क्या कहते हैं इन्हीं से बात करते हैं इन्हीं की थोड़ी हंसी हवा टाइट करते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर ठीक है ठीक लाहौर से ही है नहीं नहीं फैसलाबाद से फैसलाबाद से है चलो जी फैसलाबाद फिर अब तो मज़ा आएगा आपके साथ पूरा जोड़ डालने का जुगनू के लिहाज से नहीं मुझे आती नहीं क्यों ऐसा क्यों बिल्कुल भी नहीं आती क्यों ऐसा फैसलाबाद ही और उसको झुकते ना ऐसा हो नहीं सकता पता नहीं हम सीधे साधे लोग हमें नहीं आती नहीं आप सीधे साधे थोड़ी हैं पेट तो आपका बाहर है और ये फैसलाबाद की वजह से है ना नहीं ना तो वो आपने बोला सीधे साधे पेट आपका बाहर है ये तो फिर आप दुबले पतले हो गए ना वो मेरा दुबला पतला दोस्त भी है
ऐसे दुबले पतले हम दोस्त से बात करते हैं, आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शर्मा भी रहे हैं थोड़े थोड़े फैसलाबादी। कैसे आप? ठीक हैं? अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप भी सीधे साधे हैं उनकी तरह? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है जी, ओके हो गया। बोल रहे दुबला पतला इतना बड़ा पेट निकाला हुआ है और बोल रहे हैं कि मैं सीधा साधा हूँ, लेकिन शर्मीले थे वो। अब हम ये इस क्यूट सी बच्ची से थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक ठाक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बच्चों को देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। आपके साथ ही बच्चे हैं? आमीन मतलब आपकी? एक बेटा मेरा है, एक मेरी भांजी है। एक आपका बेटा और एक आपकी भांजी। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करोगे? दोनों इस मोड में नहीं है। और मिसेस के साथ शॉपिंग पे आए आप यहाँ पे? हाँ जी बट हाँ जी। पक्की बात है, मिसेज ही है ना, गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे बता दे, मैं सबको कैमरे के थ्रू बता दूंगी। नहीं नहीं, मिसेज ही है मेरी। ये सोच समझ के बोल रहे हैं, पकड़े गए। सर सर बता दे, मैं वरना वेट कर लूंगी कि कौन सी बंदी आपके पास आ रही है। नहीं नहीं, मिसेज ही है। मिसेज ही है, वो कहाँ पे नजर नहीं आ रही? कहीं शॉपिंग कर रही होंगे आई गेस। होता ना ऐसे, मिस बच्चों को हवाले किया और उधर अपनी शॉपिंग कर ली, तो फिर कैसा फील होता है? कोई बात नहीं, होता है। जब हमने कहीं जाना होता है तो फिर वो मिसेज भी कंप्रोमाइज़ करती हैं साथ। और रात में मिसेज आपका वेट करती होंगी? हाँ। तंग तो नहीं करते रात में अपने मिसेज को, मतलब जैसे आप घर में लेट जाते हो? नहीं। और पसीना भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया, दिल भी घबरा रहा है, हेजिटेट भी फील कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आप बात कर सकते हो इजीली। नहीं कोई मसला नहीं है सर। चलिए जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनको कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और आवाम के साथ बात करते हैं। और मैसेज पे बिजी है, गिन गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्या कह रहे थे गर्लफ्रेंड को मैसेज? नहीं, मैं घर वालों से कह रहा हूँ। पक्की बात है? क्योंकि कैमरा सामने है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे किसके साथ आए हो? मैं फैमिली के साथ ही हूँ। फैमिली के साथ आए हो, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड फ्रेंड वगैरह? नहीं, मैं नहीं, है। नहीं नहीं, कोई भी नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि मेरी वैसे एंगेजमेंट हो गई है, शादी है मेरी। नेक्स्ट मंथ शादी है? चलें सच सच बता दें, कोई ना कोई तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना? नहीं नहीं, कभी रही नहीं। नहीं, मैंने अभी ऐसी अरेंजमेंट है मेरी। एंगेजमेंट हुई हुई है? और अब अरेंज हुई है, अरेंज मैरिज हुई हुई है। तो अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है क्या लव मैरिज? आप क्या? मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। महीने बाद तो एक्सपीरियंस होगा बच्चू, जिधर मिलेगा ना फिर मुझे बताना जरूर। जरूर जरूर बताओ। अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी सीरियस पर्सनैलिटी हूँ। चले जी, यहाँ पे हमारी मुलाकात इमरान नियाज़ी साहब से भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी फाइन थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेरा बताया था किसी ने कि मैं यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह जी, आप छाई हुई हैं हर जगह पे, आप ही आप हैं। मैंने कहा चले आपको देखने आज। अरे क्या बात है, पहली बात में यहाँ मुझ पर लाइन मार रहे हैं? नहीं लाइन नहीं मार रहा मैं, मिसेज देख लेंगी क्या बनेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। हाँ जी, ऑलरेडी एक क्या दूसरी भी आ जाएगी सर पे, फिर तो लड़ाइयाँ। नहीं नहीं, फिर तो मुझे वो कागज़ ही मिलेंगे दूसरी आई। चले जी, इनको तो कागज मिलेंगे। और मुझे ये बताएं यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? मैं जी कुछ टी शर्ट्स लेने आया हूँ। कुछ टी शर्ट लेने आए हैं, मुझे भी शॉपिंग करवा रहे हैं? जी जरूर, क्यों नहीं, क्या जबरदस्त। मैं अब ठीक है, प्रोग्राम के बाद मैं आपके साथ शॉपिंग ही कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक शादीशुदा आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? शादीशुदा लाइफ बहुत थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम्स हुई थी, अब माशाल्लाह सेट हो गया, अब हैंडल हो गया। अब हैंडल हो गया। अच्छा सर, मुझे ये तो अपना इमरान नियाज़ी साहब हैं, तो मैं चाहूँगी ये कुछ अपना कुछ सुनाएं हमें जी, मेरे शो के लिए अच्छा लगेगा। जी जी। हो वलती कुड़ियां देसी बॉयज सब दी इको ही फरमाइश, वलती कुड़ियां देसी बॉयज सब दी इको ही फरमाइश, सॉन्ग पंजाबी लादे डीजे कोई ना टिके सिर ते, कुड़ी वलती नचे, कुड़ी वलती नचे देसी बीट ते, कुड़ी वलती नचे देसी बीट ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।